अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वोल्टेज के बारे में, एम्पेयर के बारे में, वाट के बारे में और ओम के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सबसे पहले हम बात करेंगे वोल्टेज के बारे में। दो पॉइंट के दरमियान भर की प्रेशर को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं और इसी का दूसरा नाम वोल्ट है। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, इन दोनों पॉइंट के दरमियान जो प्रेशर है उसी को हम वोल्टेज कहते हैं। अब बात करते हैं एम्पेयर के बारे में। इलेक्ट्रॉन के बहाव को करंट कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन एक छोटे शेल में बंद होते हैं और अक्सर मेटल शीट में पाए जाते हैं, मसलन कॉपर वायर, एलुमिनियम, यूरेनियम। जब भी हम इन्हें वोल्ट देते हैं उसके प्रेशर से ये रन करते हैं और इसी को हम करंट कहते हैं। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट के बहने में जो मुजाहमत आती है, जो रुकावट आती है, उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। और रेजिस्टेंस का सिंबल ये है जो आप इमेज में देख रहे हैं। यूनिट ऑफ पावर, ताकत की इकाई। इलेक्ट्रिसिटी में किसी भी चीज़ के काम करने की सलाहियत को हम वाट कहते हैं। जैसा कि एक पंखा है, उसके 150 वाट हैं, तो ये उसके काम करने की सलाहियत होगी कि वो 150 वाट का है, इतनी सलाहियत रखता है, इसी को हम वाट कहते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।